नमस्कार दोस्तों, 12 जून 2020 के द हिंदू समाचार पत्र में आपका स्वागत है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि द हिंदू न्यूज़पेपर वीडियो डिस्कशन एडिटोरियल का और उसके अलावा भी कोई भी करंट के संबंधित टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़ या फिर उससे अपडेट्स रहने के लिए यूपीएससी मैनिया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। हम चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। तो कल हमारे प्रश्न हैं, एशियाई शेरों यानी एशियाटिक लायंस के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? यह भारत में प्राकृतिक रूप से केवल गुजरात में पाए जाते हैं, तो ये कथन सत्य हो जाता है। आईयूसीएन की संकटग्रस्त सूची यानी इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा, ये भी सही है। एशियाई शेरों की संख्या भारत में घट रही है, तो ये गलत है, क्योंकि अभी रिपोर्ट जो है हमने पढ़ी थी, जो एक अब सर्वे आया था, एक जो सेंसस हुई थी, उसमें एशियाई शेरों की संख्या बढ़ी है, यानी एक व दो यानी बी विकल्प सही हो जाता है। कशिश राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया रहा है? मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। ये हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? IIT बॉम्बे भारत का शीर्ष शैक्षणिक संस्थान के रूप में रैंक किया गया, बिल्कुल सही है, 171वें स्थान पर है विश्व में और भारत का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट जो है डिक्लेयर किया गया है। टॉप 150 वैश्विक संस्थानों में भारत का कोई संस्थान शामिल नहीं, ये भी सही है। भारतीय संस्थानों के रैंकिंग में प्रगति देखी गई है, तो ये गलत है, क्योंकि जो IIT बॉम्बे हमारा टॉप पे था वो 151 रैंकिंग पे था लास्ट ईयर, इस साल क्या हो गया वो 172 पे चला गया, 171 पे लगभग, तो ये प्रगति नहीं हो रही है, तो एक व दो यानी बी ऑप्शन सही हो जाता है। बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स है, तो हमने बात किया था कि क्या है ये, जैसे मतलब जो भी विदेश से आयात हो रहे हैं उन सामानों को घरेलू में जो उत्पादन हुए हैं उनके सामान रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा, बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स था। अब हम चलते हैं आज के न्यूज़पेपर की तरफ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्लम पॉपुलेशन मोस्ट एट रिस्क सेज ICMR। तो जो ये COVID-19 का जो संक्रमण हो रहा है उसका एक सर्वे कराया गया है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के द्वारा, तो उसमें बताया गया है कि जो ग्रामीण जनसंख्या है वो सबसे कम प्रभावित होने की संभावना है, और जो शहरी जनसंख्या है उसकी 1.09% ज़्यादा जो है, यानी कि 1.09 गुना ज़्यादा संभावना है कि शहरों में संक्रमण होगा। और जो शहरी स्लम्स हैं यानी कि शहर में जो स्लम एरियाज़ हैं, जो भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ पर संभावना 1.89 गुना ज़्यादा है, यानी लगभग 2 गुना ज़्यादा है, ये चीज़ बताई जा रही है, ये सर्वे में था। अगली न्यूज़ है, इकोनॉमिक रिकवरी पाथ स्टिल अनसर्टेन CEA। तो जो आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं हमारे भारतीय सरकार के कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा है कि जो आर्थिक रिकवरी का रास्ता है ये थोड़ा सा भी अनिश्चित लग रहा है कि इस वर्ष के लास्ट में होगा या फिर अगले वर्ष के प्रारंभ में होगा, तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं कहा जा सकता है, तीजी बताई जा रही है इसमें। तो हमारे जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये चीज़ इसमें आपको जानने की आवश्यकता है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है, IIT मद्रास टॉप इंस्टीट्यूशन इन गवर्नमेंट रैंकिंग। तो जो हमारा अभी देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई थी, उसके बाद जो भारत सरकार अपने संस्थानों की रैंकिंग करती है, इसे बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, इसने अभी रैंकिंग जारी की है, तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं। तो IIT मद्रास जो है विश्व देश का सबसे उच्च गुणवत्ता वाला संस्थान इसमें बताया गया है। दूसरे नंबर पर IISc जो है बेंगलुरु है, तीसरे नंबर पर IIT दिल्ली है, चौथे पर IIT बॉम्बे, फिर IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, फिर JNU, फिर IIT रुड़की, फिर BHU। और अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ में जो आपका मेनली IITs को छोड़ दिया जाए, यूनिवर्सिटीज़ को देखा जाए तो सबसे टॉप पे आपका IISc बेंगलुरु है, दूसरे पे JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और तीसरे पे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये चीज़ बताया है इसमें। तो ये रिपोर्ट के आउटकम्स रहे हैं। NIRF जो है 2016 में ये रैंकिंग स्टार्ट की गई थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। क्या किस लिए रैंकिंग की गई थी? ताकि जो है जो हमारे संस्थान है उनकी गुणवत्ता कितनी है उनकी कवर किया सके। इसमें कुछ कुछ क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं अगर हम वो देखें तो, एक मोटे तौर पे अगर आइडियल आपको जानना है तो जिसे इसमें स्टूडेंट और फैकल्टी का अनुपात क्या है, उसके बाद इसकी वित्तीय संस्था कितनी है, कितने रिसर्च पेपर्स जो है पब्लिश होते हैं, और कितने जो है पेटेंट से डिक्लेयर कर रहा है, और जो ग्रेजुएशन में हो रहे हैं कितने लोग जॉब पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के आधार पर इनकी रैंकिंग होती है। ये हमने जाना नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF जो जारी किया जाता है। अगली न्यूज़, लास्ट एलिजिबल फॉरेनर फ्रीड फ्रॉम डिटेंशन। तो जो असम में NRC हुई थी, पूरा हम जो है मामला आप जान भी रहे होंगे, फिलहाल हम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो जो NRC हुई थी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप्स, तो उसमें क्या हुआ था, जब बांग्लादेश नया देश बना था 1971 में, तो उस समय क्या हुआ था कि जो वहाँ पर आंतरिक समस्याएं चल रही थी, उसकी वजह से बड़े स्तर पर प्रवास देखा गया था, बांग्लादेशी लोग आके भारतीय राज्यों में आ रहे थे, जो कि काफ़ी असम में काफ़ी मात्रा में आए थे, तो जिससे जो वहाँ के असम के लोकल लोग थे वो कहे कि भाई ये विदेशी लोग आ रहे हैं, हमारे संसाधनों पर अपना आधिपत्य जमा रहे हैं, तो उसके खिलाफ उसके बाद मांग उठी थी कि जो हमारे भारतीय सिटीजन से उनकी अलग जो है उनको कैटेगराइज किया जाए, जो विदेशी हैं उनको बाहर भगाया जाए। तो उसी के बाद आंदोलन चला था, जिसके बाद आपका NRC मतलब जिसके बाद एक असम समझौता असम एकॉर्ड साहब जो है साइन हुआ था,
उसके बाद क्या हुआ था, एनआरसी भी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एनआरसी लागू की गई असम में, जिसके बाद ये कहा गया कि जो भी लोग एनआरसी के अंतर्गत जो है नहीं आए हैं, यानी वो सिटीजन नहीं घोषित किए हैं, उनको मौका दिया जाएगा, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा, यानी कि एक जो है सेमी कोर्ट बनाया जाएगा, क्वासी जुडिशियल कोर्ट्स बनाए जाएंगे, जिसमें ये निर्णय होगा कि जो व्यक्ति है एनआरसी से जो बाहर है उसको मौका दिया जाएगा वो साबित करे कि भारत का नागरिक है, अगर वो नहीं साबित कर पाता है तो उसको विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। तो इसमें भी बताया जा रहा है कि कैसे क्या चीज़ें हैं, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल क्या है, ये चीज़ बताया जा रहा है। इसमें एक विशेष व्यक्ति सिद्दीकी अली है, उनकी जो है कहानी बताई जा रही है, कैसे वो कितने परेशान हुए इन सब जो है जो विधिक प्रक्रियाओं में कितना वो परेशान हुए, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल कैसे जो है कू कर रही थी, सारी चीज़ें बताई जा रही है। इसमें हमने जाना पूरा कि असम का बैकग्राउंड कैसे क्या हुआ और एनआरसी क्यों हुई, एनआरसी अभी क्या है। तो अभी एनआरसी के अंतर्गत ही फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल गठित किए गए हैं, असम में 100 फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल हैं, और ये देश के किसी भी राज्य में यानी जिले अधिकारी को अधिकार है कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल अपने ज़िले में बना सकता है। तो चीज़ असम में अभी 100 फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है, ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। इसमें अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है, देखिए ये लोकल न्यूज है, इतना हमारे महत्वपूर्ण लिए नहीं है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज है, विवेन हैज इनडिफेजिबल क्लेम नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ चाइल्ड। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जो है आदेश, एक अभी निर्णय दिया है केस में, उसमें बताया है जो एक पुरुष और महिला मतलब दोनों एक विवाहित जोड़े थे, तो उनका एक पुत्र था, उसके बाद ये क्लेम हुआ कि भाई पुत्र का उन दोनों में अभी जो है तालमेल अच्छा नहीं है, तो उसके बाद ये हुआ महिला ने पुरुष को जो है जो उसका पुरुष साथी था उसको मना कर दिया कि मतलब बच्चे का एसेसिबिलिटी आपको नहीं देंगे हम, तो जो भी बात था, तो उसमें क्लेम हुआ कि भाई बच्चा किसके पास रहेगा, महिला के पास कि पुरुष के पास। तो वही इसमें निर्णय दिया है कि जो महिला का सबसे इनडिफेजिबल क्लेम है, यानी कि उसके क्लेम को झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो बायोलॉजिकली उसने जो है मतलब उसको 9 महीने अपने गर्भ में रखा है, और वैसे भी कहा भी जाता है कि माँ का ज़्यादा स्नेह होता है। तो ये चीज़ बताया गया है इसमें हाईकोर्ट के द्वारा, तो ये रूलिंग कभी कभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको ध्यान देना होता है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है, एफर्ट्स अर्न टू डिजॉल्व एलएसी सिचुएशन एट अर्लीस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो जो विदेश मंत्रालय है उसने बताया है कि जो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे सिचुएशन है उसको ठीक करने के लिए प्रयास जारी हैं काफ़ी बड़े स्तर पे। और जैसे कि अभी हम तक की हम प्रगति देखेंगे तो जो 5 मई के बाद क्या हुआ था, जो चीनी सेनाएँ थी भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी, काफ़ी 15 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी थी, जिसके बाद जो है गतिरोध प्रारंभ हुआ, तो कई स्तर पर वार्तालाप चल रही। और अभी 3-4 दिन पहले जो जैसे कि डिप्लॉयमेंट क्वान्टिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो अभी सैनिकों को कम किया गया है, जो भी हैवी फोर्सेज डिप्लॉय की गई थी बॉर्डर के पास उसको कम की गई है, यानी कि डिस्केलेशन हुआ है, सिचुएशन थोड़ा सा ठीक हुई है, और अभी जो है प्रोसेस उसी की तरफ है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बता रहा है, ये चीज़ है। अगली न्यूज, इंडिया रिट्रेट सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल टाइज विद नेपाल। तो जैसे नेपाल देखिए अभी अपने जो नया मानचित्र जारी करने वाला है उसको संविधान दर्जा भी देने जा रहा है, तो उसी दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि कैसे कि हम भारत के जो वो हैं मतलब मोदी जी, और उसके अलावा हम देखें एक्सटर्नल अफेयर्स एनालाइज कर रहा है कि नेपाल से रिश्ते कैसे हैं, तो ये बताया जा रहा है कि आए दिनों में हम नेपाल की ह्यूमैनिटेरियन मदद मानव आधार पे उसकी मदद बढ़ाते जा रहे हैं, उसको फिजिकल मदद कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर मदद कर रहे हैं, और उसके बाद जो है एनर्जी सेक्टर में, पावर सेक्टर में, और अभी एक जो है आप देखिए एक पाइपलाइन भी जारी हुई थी, पेट्रोलियम पाइपलाइन भी जो है बनाई गई थी भारत नेपाल के बीच में, तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और उसके बाद बता रहे हैं कि जो है तो ये चीज़ें हैं उसमें बताई जा रही हैं कैसे भारत नेपाल के रिश्ते कल्चरल आधार पे यानी सांस्कृतिक आधार पर बंधे हुए हैं और बहुत ही मजबूत हैं, ये चीज़ें बताई जा रही हैं उसमें। तो ये था भारत नेपाल संबंध संबंधित। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है, नेवी टू शील्ड पर्सनल फ्रॉम वायरस। तो जैसे जो इंडियन नेवी है कोविड-19 से लड़ने में काफ़ी फ्रंट फुट पे काम कर रही है, जैसे ऑपरेशन समुद्र सेतु भी चला रही है, अब मिशन सागर भी चल रहा है। मिशन सागर क्या है, सागर जो है हमारी इंडियन ओशन की पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर का ये फुल फॉर्म होता है। इसके तहत उद्देश्य क्या है हमारा कि जो भी हम इंडियन ओशन के आसपास देश हैं, भारत हिंद महासागर के आसपास देश हैं, उन सभी छोटे देशों की मदद करेगा भारत उनको ग्रोथ करने में, तो ये चीज़ है। उसी के तहत जो है नेवी क्या कर रही है, INS केसरी जो है डिप्लॉय की गई है, जो भारत के आसपास देशों को हिंद महासागर के आसपास देशों को हेल्प कर रही है, जैसे मॉरिशस हो गया आपका, कॉमरोस आइलैंड हो गया, और इन सभी देशों में मेडिकल टीम डिप्लॉय की जा रही है, फिलीपींस की नेवी के साथ जो है हेल्प कर रही है। तो मिशन सागर के अंतर्गत क्या कर रही है कि जो अभी आसपास के जो हिंद महासागर देश हैं उनकी मदद कर रही है जो भारतीय नौसेना है। तो इसमें क्या किया गया है, भारतीय नौसेना ने एक चीज़ और की है, जो 50 ईयर्स से ज़्यादा एज के इनके पर्सनल होंगे उनको मना किया गया है, उनको नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा जो है
प्रोन है, COVID-19 के इन्फेक्शन से ज़्यादा उनको संभावना है, तो जो 50 ईयर से ज़्यादा रहेंगे उनको छूट दी जाएगी, मिशन सागर में उनको नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा। तो मिशन सागर है ये, हमने जाना क्या ये चीज़ था। अगली महत्वपूर्ण न्यूज, इंडिया रिमूव्स एक्सपोर्ट बैन ऑन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा बहुत चर्चा में आई थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कहा था कि और कहा था कि COVID-19 से लड़ने में गेम चेंजर साबित हो सकती थी, और इसके बाद देखिए क्या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की डिमांड बढ़ती गई और जो है इंडिया ने इसका एक्सपोर्ट बैन कर दिया था। हालांकि कुछ मामलों में जैसे अमेरिका को और भी देशों को उन्होंने कंडीशनल एक्सपोर्ट किया था, लेकिन अब पूरी तरह से एक्सपोर्ट बैन हटा लिया है, तो ये न्यूज़ थी इसमें। हालांकि फिर भी जो भी फर्म्स प्रोड्यूस करेंगे 20% तक उनको रखना ही पड़ेगा, यानी कि भारतीय घरेलू मांगों के लिए। यह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के बारे में पूछा जा सकता है। प्रोब ऑर्डर्ड इनटू गैस विल फायर। तो असम के जो बागजन क्षेत्र है और जो डिब्रू साइकोवा राष्ट्रीय उद्यान है उसके बगल एक ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो एक गैस का कुआं था उससे एक लीक हुआ था, जिसके बाद में उसे आग लग गई थी, उसमें 5 लोग मर भी चुके हैं। तो इसमें अब एक जो है जांच कमेटी बनाई गई उसके लिए। तो हम यहाँ पर जानेंगे डिब्रू साइकोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में है, असम के ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, चीज़ ध्यान देना है। तो ये नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे इससे आ सकता है, ये चीज़ बताया जा रहा है इसे। लायन सेंसस मेथड आउटडेटेड एक्सपर्ट्स। तो जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा है, अभी जो लायन सेंसस हुआ है वहाँ पे, तो गुजरात में लायन सेंसस हुई है, बताया गया जिसमें कि शेरों की संख्या बढ़ के 28% बढ़ के 674 हो गई है 2015 की तुलना में। तो बताया जाए कि आउटडेटेड है। आउटडेटेड क्यों है, जैसे कि देखिए शेरों की गणना करने में जाके हम एक एक शेर तो गिनते नहीं हैं, किन से माध्यम से गिनते हैं, देखिए कुछ जो है जो डायरेक्टली ऑब्जर्व किए जाते हैं आंखों से, जो वहाँ के फॉरेस्टर या रेंजर्स होते हैं वो डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, और कुछ CCTV कैमराज के माध्यम से, कुछ जैसे कोई निशान है किसी शेर के उस पर परमानेंट मार्क्स है, तो उन मार्क्स के आधार पर शेरों को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये सब मेथड्स यूज किए जाते हैं, लेकिन इसमें प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं जो कुछ मतलब ऑर्गेनाइजेशन वो कह रहे हैं कि जिससे पहले सामान्यता 2000 तक जो भी व्यक्ति लगते हैं इनकी गणना में, लेकिन इस वर्ष देखा गया तो केवल 1400 पर्सनल्स ने जो है शेरों की गणना में मतलब शामिल थे, यानी पर्सनल्स कम थे, तो जाहिर सी बात है आंकड़ों की क्वालिटी में कमी जो है एक संदेह उत्पन्न होता है। और दूसरी बात ये बता रहे हैं कि जो CCTV कैमरों की मदद से जो है आप पहचान कर रहे हैं, तो ये तरीका जो है आपका टाइगर्स के केस में तो जो है अच्छा हो सकता है, क्योंकि टाइगर्स के जो शरीर होते हैं चित्तियाँ होती हैं, धारियाँ होती हैं, तो आप उन धारियों से थोड़ा सा दो टाइगरों के बीच में विभेद करने में आसानी होगी। लेकिन जो शेर है, शेर के उस शरीर पे तो कोई धारी होती नहीं, वो लगभग सभी शेर एक ही जैसे दिखते हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो दो चित्र हैं वो एक ही शेर के चित्र हैं या दोनों अलग अलग चित्र हैं। तो ये सब कुछ चुनौतियाँ होती हैं जो ट्रेडिशनल मेथड हम यूज़ करते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो आंकड़ों की गुणवत्ता है उस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, क्योंकि देखें तो जो 2018 में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस एक जो है हुआ था, एक कैनाइन डिस्टेंपर वायरस क्या है, जिससे शेरों की मृत्यु हुई थी, लगभग 36 शेर मरे थे गिर क्षेत्र में। तो जब कैनाइन डिस्टेंपर वायरस भी हुआ, 36 शेर भी मरे, उसके बाद भी जो है आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं, ये संदेह उत्पन्न किया जा रहा है कि जो मेथड है हमारा जो है उसका लैन की गणना करने का, ये थोड़ा आउटडेटेड है, ये सही आंकड़े नहीं प्रदर्शित कर पा रहा है, ये चीज़ बताया जा रहा है। इसमें प्रश्न उठाया कुछ विशेषज्ञों ने। अगली न्यूज, गवर्नमेंट कंसीडरिंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम सेज NHRC। तो जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसने अभी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद को रिपोर्ट जो है जमा की है। तो ये रिपोर्ट देती है, संयुक्त राष्ट्र जो मानवाधिकार परिषद है सभी देशों से, जो सभी सदस्य देशों हैं उनसे प्रत्येक 4.5 वर्ष पर रिपोर्ट जो है देती है। तो अभी जो एनुअल रिपोर्ट जो है फाइल किया है हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद ने भारत के, तो उसमें उन्होंने बताया है क्या किस किस बिंदुओं पर भारत काम कर रहा है और कहाँ कहाँ उसमें लैकिंग है, थोड़ा सा हम देखेंगे इसमें। तो अभी देखिए क्या क्या बताया है, जैसे अगर देखिए इनको, तो ये बताएं कि मानवाधिकार क्षेत्रों में भारत जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स पे साइन करने का, जैसे कि जो भी एग्रीमेंट्स हैं उन पे काम करेगा, और जो है बच्चों के खिलाफ यौन शोषण होता है उन पे काम कर रहा है। अभी कहाँ कहाँ आवश्यकताएं हैं अगर ये बता रहे हैं, तो जो है हेल्थ क्षेत्र में बोल रहे हैं और फंड की आवश्यकता है, जैसे हेल्थ सेक्टर में और न्यूट्रिशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंटर द्वारा ज़्यादा फंड एलोकेट करने की आवश्यकता है। अभी हम 1% अपने GDP के 1% से कम जो है अलॉटमेंट करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्रों पर, तो ये बहुत ही कम है, जबकि देखेंगे आप जो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका है 8-9% तक अपने GDP का हेल्थ सेक्टर पर जो है खर्च करते हैं। ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और जो बाल अधिकारों की बात की जा रही है कि यहाँ पर जो है बाल अधिकारों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, और चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए जो 5 ऐसे सबसे ज़्यादा जहाँ चाइल्ड लेबर होते, 5 ऐसे जिले भारत में जहाँ पे बाल मजदूरी बाल श्रम सबसे ज़्यादा प्रचलित है, वहाँ पर उसको ख़त्म करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है।
और रिप्रोडक्टिव राइट्स की भी जो है बात की जा रही है कि जैसे कहा जा रहा है इसमें बर्थ कंट्रोल मीजर और स्टेरिलाइजेशन हो गया, जो भी इसके संबंध खर्च यानी कि जन्म जन्म के दौरान जो भी खर्च आते हैं इनको भी जो है इनको नहीं कवर किया जाता है। जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, जो भी आपका स्वास्थ्य बीमा होता है, उन सब चीज़ों को इसमें ट्रेडिशनल स्वास्थ्य बीमा में नहीं कवर किया जाता है। तो जिससे जो गरीब आदमी है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके अपने पैसे अपने उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर पाता है। इन चीज़ों को भी कवर करने की बात की जा रही है और बताई जा रही है कि जैसे कुछ पॉलिसीज़ में गैप्स है, जैसे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड है यानी बाल अधिकारों के कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करके उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, और कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। तो जो ये कन्वेंशन है इस पर भी साइन करके इसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, यानी कि जो महिलाओं के खिलाफ जो है भेदभाव होता है उसको ख़त्म करने की आवश्यकता है। और बताया है कि जो हमारी ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है 2020 में जो आएगी, उस मतलब जो नेशनल एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई जारी होने वाली है उसमें बच्चों को और अधिकार देने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया है और विशेष तौर से बताया है जो SC ST एक्ट है इसका दुरुपयोग ना हो और सही से ये जो है जो भी हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनको ऐसे सही अधिकारों का उनका संरक्षण करने में हेल्पफुल हो। ये सारी चीज़ें हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट में अपने प्रस्तुत किया है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल को। ये चीज़ हमने जाना NHRC से संबंधित। अगली न्यूज है रेलवेज ऑफर डिस्काउंट टू कम्पीट विथ रोड हॉलियर्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट का माध्यम हमारा गुड्स और ट्रैफिक है यानी कि जो भी हमारा वस्तुओं का ट्रांसपोर्ट होता है वो मुख्यतः रेलवे और रोड के माध्यम से होता है। तो देखिए अब पहले तो रेलवे ही ज़्यादातर लगभग 80% से 80% तक से जो है सारा माल की ढुलाई रेलवे से ही होती थी, लेकिन अब देख रहे हैं धीरे धीरे जो रोड ट्रांसपोर्ट है ये रेलवे को ओवरटेक कर रहा है। तो क्यों ओवरटेक कर रहा है उसके कई कारण हैं। जैसे पहली बात तो रेलवे में डिले होता है यानी कि देखिए अब मालगाड़ी को रोक दिया जाता है, एक एक मालगाड़ी अपने नियत स्थान से लक्ष्य पे एक एक हफ्ते 10-10 दिन में पहुँचती है, तब तक वो लेट हो जाता है। और जैसे कोई मान लीजिए फल है जो पेरिसेबल आइटम है जो जल्दी ख़राब हो जाता है तो उसको आप मालगाड़ी के माध्यम से नहीं भेज सकते। जैसे सेब है, सेब अगर हम मालगाड़ी के माध्यम से भेज रहे हैं पता चला 10 दिन में वो पहुँच रहा है लक्ष्य तक, तब तक वो सड़ गया। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है अब वो रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम को प्रीफर करते हैं। तो रेलवे का शेयर गिरा हुआ है रोड उसमें जो है जो आपके माल की ढुलाई में। तो अब रेलवे इस पर जो है एक नया प्लान लाई है कि कैसे हम ढुलाई के क्षेत्र में जो ये गुड्स ट्रांसपोर्टेशन उसमें बढ़ाएं। तो इन्होंने एक ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, जिसमें पाया कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो इसका भी फायदा उठाता है कि जो है जो आपका जैसे ट्रक्स हैं तो ट्रक्स दोनों आने जाने दोनों का जो है अपना बात कर लेती हैं। अगर जो कोई व्यक्ति ट्रक्स के आने जाने जैसे इधर से गई वो गिट्टी या मोरंग लेके आई और उधर से सीमेंट लाद के लेके आई, यानी कि जब दोनों तरफ का उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो डिस्काउंट दे देते हैं। तो इस पॉलिसी को रेलवे में ने भी अपनाने की बात की है। अगर कहा कि राउंड ट्रिप बुकिंग होगी यानी कि जाने की भी बुकिंग कर लोगे आने की भी बुकिंग कर लोगे तो 10% हम दोनों तरफ छूट देंगे। तो इससे लोगों को जो भी आपके इंडस्ट्रीज हैं उनको आकर्षित करने का प्रयास किया है, छूट देने का प्रयास किया है। तो रेलवे ने ये नई पॉलिसी जारी की है, ये चीज़ बात बताएगी इसमें। अगली महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर है, अब देखेंगे ट्रंप टारगेट्स ICC विद सैंक्शंस ओवर अफगानिस्तान वार क्राइम्स केस। तो जो है ट्रंप ने ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात की है, क्योंकि जो है जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है ये अफगानिस्तान वार क्राइम के खिलाफ केस चला रहा है। तो हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय क्या है। ये एक संस्था है जो 2002 में स्थापित हुई थी, कहाँ पर है, हेग, नीदरलैंड्स में हेग में है। इसका कार्य क्या है, ये जो कोई भी राष्ट्रीय सरकारें या फिर कोई राष्ट्रीय स्तर का जो भी एग्जीक्यूटिव का मेंबर हो वो यदि जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है या फिर वो युद्ध संबंधित वार क्राइम्स करता है या मानवता के खिलाफ कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ केसेस करती है। जैसे कि यह समझिए अफगानिस्तान में भी क्या हुआ है। अफगानिस्तान में आप देख रहे होंगे तालिबान वहाँ के नागरिकों को मारती है और जो अफगानिस्तान सेना है उसके भी जो है लड़ाइयों में काफ़ी आम नागरिक मारे जाते हैं और अमेरिकी सेना भी वहाँ पर है। तो अभी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने इन तीनों के खिलाफ केस जारी किया है, इनके सबके खिलाफ जो है कि केस जारी किया है कि आप मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, आप युद्ध वार क्राइम्स कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में क्राइम्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आरोप लगाया है। तो जिसके खिलाफ जो अमेरिका ने इन सभी ICC के जो भी प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो भी इसमें जज हैं, जो भी केस को सुनवाई कर रहे हैं, उनकी जो भी संपत्ति USA में है उनको सीज करने की धमकी दे रहा है और कह रहा है कि हम आपको जो है मतलब आप पे प्रतिबंध लगाएंगे, आप जो है अमेरिका आ जा नहीं सकते हैं, ये सारे प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है।
और जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है इसका सदस्य देश अमेरिका कभी नहीं रहा है और भारत भी इसका कभी सदस्य देश नहीं रहा है। भारत इसीलिए सदस्य देश नहीं रहा है क्योंकि जैसे देखिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ये आपका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के खिलाफ अथॉरिटीज़ के खिलाफ भी केसेस चला सकता है क्योंकि जो है वार क्राइम्स जो होंगे आपके ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम्स होंगे जो आपकी हेड अथॉरिटी होगी उसी के अधिकार में होता है ना। जो तानाशाही रवैया करता है वही चीज़ तो आम नागरिक के खिलाफ जो है वो कर सकता है। तो इससे क्या होगा भारत की संप्रभुता पर समझौता होगा, इसीलिए भारत ने कभी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की सदस्यता नहीं ग्रहण की है। ये हमने जाना अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और उस पर जो ट्रंप सैंक्शन लगाने जा रहे हैं ये चीज़ हमने जाना। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। ये थी इससे संबंधित न्यूज़। अब हम अगली न्यूज़ देखेंगे 10 आइवरी कोस्ट सोल्जर्स किल्ड इन जिहादिस्ट अटैक। तो आइवरी कोस्ट के 10 सैनिक मारे गए जिहादियों के हमले में, यानी कि जो वहाँ पे जिहादी हैं रहते हैं बुर्किना फासो से सटा हुआ ये आइवरी कोस्ट एक कंट्री है, ये अफ्रीका में है। आपको इसका मैप देखना है और इससे मैप से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। आइवरी कोस्ट कहाँ पे है, बुर्किना फासो कहाँ है, ये चीज़ आपको देखना है। स्टैचू ऑफ जेफरसन डेविड टॉपल्ड। तो जेफरसन डेविस एक थे जो कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, कब, जब यहाँ पर सिविल वार चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था उस दौरान यहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो उनकी जो एक मूर्ति है उसको गिरा दिया गया है आंदोलनकर्ताओं के द्वारा। तो जैसे आप जान रहे हो कि अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चल रहा है जिसमें जो भी आपके काले लोगों के ऊपर जो है अभी अधिकार, जो भी उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या उनके खिलाफ भेदभाव रहता है, तो अभी जो है जो वाइट सुप्रीमेसी है यानी इनको जो यानी कि जो सफ़ेद गोरे लोग हैं वो सुप्रीम हैं और जो काले लोग हैं उनके साथ भेदभाव वाला व्यवहार किया जाता है, इसके खिलाफ में आंदोलन चल रहा है ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद से आंदोलन चल रहा है। तो अभी क्या किया जा रहा है, जो भी वाइट सुप्रीमेसी के सिंबल्स हैं यानी ऐसे मूर्तियां हैं उनको जो है गिरा दिया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है, उन पर काली फूंकी जा रही है। तो उसी क्रम में जो जेफरसन डेविस है इनको भी जो है वाइट सुप्रीमेसी का सिंबल माना जाता है, इनकी मूर्ति को भी गिरा दिया गया है, ये चीज़ जानेंगे आप। पाक टू सून रिस्टार्ट पोलियो वैक्सीनेशन आर्मी चीफ। तो जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है जनरल बाजवा, तो उन्होंने कहा है उनसे बात करते हुए, बिल एंड मिलिंडा गेट्स के फाउंडेशन के जो चीफ हैं बिल गेट्स, उनसे बात करते हुए कहा है कि हम जल्दी ही पोलियो की जो वैक्सीनेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए भारत एक पोलियो मुक्त देश है लेकिन पाकिस्तान में कुछ जो है 2018 में 12 केसेज आए थे, उसके बाद अगले वर्ष जो है और केसेज संख्या बढ़ी थी। तो अभी जैसे कोविड-19 स्टार्ट हुआ था तो जो पोलियो की वैक्सीनेशन होती थी, पोलियो की जो ड्रॉप होती थी वो देना बंद कर दिया गया था क्योंकि कोविड-19 हो गया था। तो पाकिस्तान में पोलियो की जो वैक्सीनेशन होता वो रोक दिया गया था। तो अभी उसको फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये चीज़ बताई जा रही है। भारत पोलियो मुक्त देश है और कोई देश पोलियो मुक्त घोषित कब किया जाता है, जब अगले 3 वर्षों तक कोई भी केसेस ना आए। तो हमारे यहाँ 2015 के बाद से कोई पोलियो का केस नहीं आया था इसलिए भारत पोलियो मुक्त देश है, लेकिन पाकिस्तान में अभी पोलियो है तो इसलिए जो संक्रमण ना हो, तो इसलिए हमारे यहाँ भी अभी पोलियो वैक्सीनेशन होती है कि पाकिस्तान से कोई केस ना जाए। अब आर्थिक जगत से न्यूज़ है, ATM कैश विदड्रॉल्स हाफ्ड इन अप्रैल। अप्रैल में जो ATM से कैश निकाला गया उसकी मात्रा आधी हो गई। तो जाहिर सी बात है जो लॉकडाउन था तो डिमांड भी कम हो गई थी और उसके बाद लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट की तरफ भी बढ़ रहे थे। दो कारण हो सकते हैं ATM जो कैश से जो ATM से कैश निकाला गया आधा हो गया। तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट की तरफ मुड़ रहे थे और उसके बाद डिमांड भी कम हो गई थी पैसों की, तो ये दोनों चीज़ बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पुल्स टेलीकॉम डिपार्टमेंट फॉर ऑर्डर मिसयूज़। तो जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट से एक विवाद काफ़ी लंबे से चल रहा था, एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू। तो एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू क्या है, तो जो टेलीकॉम कंपनीज जैसे एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस की जो भी थी, जियो है, ये सारी कंपनीज हैं, इनको लाइसेंस फीस देनी पड़ती है और जो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेज है SUC, ये दोनों चीज़ देना पड़ता है। तो पहले क्या रहता था, ये निर्धारित रहता था कि भाई आप इतना रुपये हमको लाइसेंस फीस या इतना वो देना। अब क्या किया गया है, इसको संशोधन करके ये कर दिया गया था कि जितना भी आप कमाई करते हैं, इतना आपको प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू होता है, उसका इतना परसेंट, 2-3% आप हमको इतना दोगे। तो ये चीज़ें हैं। अब ये जैसे इसमें था दो मतलब अलग अलग इंटरप्रिटेशन था। जो कंपनीज कहती थी, कि भाई जो भी हम अपने मुख्य व्यवसाय से कमा रहे हैं यानी कि जो हम टेलीकॉम सेक्टर से कमा रहे हैं उसका जो हम 2% देंगे, जबकि जो नियम जारी हुआ था टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा उसमें ये कहा गया था कि भाई आपकी कंपनी के जितना भी व्यवसाय है, भले वो टेलीकॉम सेक्टर से हो या फिर किसी आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर दे के किए हो, यानी आपकी इन कंपनी की जितनी भी इनकम उसका 2-3% देने की बात हमने की है। तो इसी पर विवाद चल रहा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया। तो अब लगभग 1-1.5 लाख करोड़ रुपये लगभग टेलीकॉम कंपनीज का वह भी बकाया हुआ है।
तो जो है ये, और टेलीकॉम कंपनी इस समय काफ़ी समस्या में भी चल रही थी, संकटग्रस्त भी हैं, तो जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उसने एक सुझाव प्लान सुझाया, उसने कहा कि भाई 20 सालों में आप धीरे धीरे करके दे देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी के खिलाफ जो है टेलीकॉम डिपार्टमेंट को कहा है कि हमारे ऑर्डर को, आदेश को आपने मिसयूज किया है, 20 साल का आपने मौका दे दिया, मान लो 20 साल के पहले कंपनी अगर दिवालिया घोषित हो गई तो वो कहाँ से देगी, ये तो पैसा फंस जाएगा। तो ये चीज़ न्यूज में थी। तो एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू क्या है और टेलीकॉम में समस्याएँ क्यों चल रही हैं और क्या सुझाव जो है टेलीकॉम डिपार्टमेंट 20 साल के लिए सुझाव लाया था, ये सारी चीज़ हमने इसमें जाना। अगली न्यूज़ है SBI ड्रैग्स अनिल अंबानी टू NCLT फॉर गारंटीज। तो जो अनिल अंबानी हैं आप जान रहे होंगे उनकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में ख़राब हो गई, क्योंकि जो है उनका बिजनेस अच्छा काफ़ी घाटे में चल रहा है। तो उनका कुछ जो है कंपनियां जो है NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा जो है उनका उनको लिक्विडाइट भी करने की बात चल रही है। तो जैसे जो कंपनी घाटे में चल रही है, अपना लोन नहीं वापस दे रही है, तो उसमें प्रावधान किया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में लाया गया था, जिसके तहत घाटे में चल रही कंपनियों को अगर वो नहीं से रिवाइव हो पाएंगे तो उनको बेच दिया जाएगा उनके एसेट्स को, और जो भी पैसा आएगा उससे उस मतलब सारे जो भी जिनसे भी कर्ज लिया गया उनको वापस कर दिया जाएगा। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने अनिल अंबानी को NCLT में जो है मतलब उनके खिलाफ जो है वो केस किया है कि NCLT भाई कि हमारा ऋण वापस दें या तो फिर इनकी कंपनी को लिक्विडेट किया जाए। तो ये चीज़ बात है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या है, ये आपका ABC के अंतर्गत एक प्रावधान है जिसके तहत लिक्विडाइट कंपनी लिक्विडाइट करने के लिए या फिर जो है ऋणों को भाई जिसका ऋण है उसको वापस दिलाने के लिए एक स्टेब्लिश किया गया है, ये प्रावधान है इसमें। BS गो वायरल इंडिसेज ड्रॉप। तो जो आप देखिए आपका स्टॉक मार्केट्स हैं विश्व भर में वो कैसे बियरिस हैं, बियरिस मतलब उनका सेंटीमेंट स्लो है, यानी कि क्योंकि संभावनाएं कम है, अभी हाल में आप COVID-19 की वजह से डिमांड कम बढ़ रही है। तो देखिए दो सेंटीमेंट होते हैं, बियरिस और बुलिस। बियरिस का मतलब भालू के जैसा, भालू देखिए आप जानते हैं शिथिल होता है, यानी जब स्टॉक मार्केट में डिमांड शिथिल हो जाती है उसे बियरिस सेंटीमेंट बोलते हैं, बियर। और उसके बाद बुलिस, बुल मतलब बैल, और बैल देखिए आक्रामक होता है, जब डिमांड हाई हो ग्रोथ रेट ज़्यादा हो उसे बुलिस सेंटीमेंट कहते हैं। तो अभी जो है विश्व भर के स्टॉक मार्केट्स में बियरिस सेंटीमेंट चल रहा है, बियर्स गो है, इसलिए चीज़ बताई जा रही है। मुकेश गेट्स 5.52 लाख शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडिया लिमिटेड। तो जो मुकेश अंबानी है उनको 5.52 लाख शेयर्स और मिला है। तो कैसे मिला है, अभी देखिए रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने शेयर्स राइट्स इशू किए थे। राइट्स इशू क्या होता है, ये ऐसे शेयर होते हैं जो उनके पुराने शेयर धारकों को उनके शेयर धारण के अनुपात में एक्स्ट्रा शेयर दिए जाते हैं सस्ते दामों पे। तो मुकेश अंबानी जो थे उसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर बल्कि प्रमोटर हैं, तो इनको 5.52 लाख शेयर्स मिले हैं। अब जो इनकी इनके परिवार की जो मतलब मुकेश अंबानी की जो शेयर है वो 50% से ज़्यादा हो गई है, 50.29% इस कंपनी में शेयर, और 50% से जिसका ज़्यादा शेयर होता है उसका मैनेजमेंट उसके कंट्रोल में होता है। तो ये चीज़ से जाना हमने। रिजर्व बैंक प्रपोजेज टू शोर अप बैंक बोर्ड्स। तो रिजर्व बैंक ने जो बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बैंक की सारी गतिविधियों को मैनेज करता है, जो भी अभी कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट बैंक्स हैं या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनके बोर्ड्स में जो है अच्छी गुणवत्ता आए और अच्छे से सुधार हो, उसमें भ्रष्टाचार ना हो, ऐसे लिए इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइंस जारी करने के लिए प्रपोजल रखा है, नए नए मानक रखे हैं। तो हम देखेंगे मानक कौन से हैं। तो उसमें जैसे बात की जा रही है कि तीनों बैंकों के लिए, प्राइवेट, विदेशी और पब्लिक सेक्टर सभी बैंक के लिए, तो सबसे पहली बात बताई गई है कोई भी सदस्य जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सदस्य होगा वो किसी अन्य बैंक का सदस्य नहीं होगा, और उसके बाद RBI का सदस्य नहीं हो सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी पोस्ट पर नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन क्या रखी गई है कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सदस्य होगा, यानी जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी बैंक का बनेगा उसमें जो सदस्य नियुक्त किया जाएगा वो सांसद नहीं होना चाहिए, किसी विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी म्युनिसिपैलिटी या किसी लोकल बॉडी का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी पॉलिटिकल एफिलिएशन उसका नहीं होना चाहिए। और बात की गई है कि कम से कम 6 लोग होने चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और अधिक से अधिक 15 लोग होने चाहिए, और बहुमत जो होना चाहिए ज़्यादा लोग यानी आधे से अधिक लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है ICICI कंपनी है, तो इंडिपेंडेंट इसमें कुछ वो लोग रहेंगे जिनका शेयर है, तो जिनका शेयर है वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहेंगे, भाई जिनका शेयर है तो डायरेक्टर्स की टीम में रहेंगे ही, कंपनी को डायरेक्ट करेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या है, जिनका उस कंपनी में कोई शेयर नहीं है, आर्थिक उनका हित नहीं है, तो वो उस कंपनी के आर्थिक हित से मुक्त हैं, तो इसलिए उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कहा जा रहा है। तो यानी आधे से अधिक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे, तभी तो निर्णय अच्छे से ले सकेंगे, जो किसी तरह बायस नहीं रहेंगे। और ये बताया जा रहा है कि जो इन डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी 60 दिन में कम से कम एक बार मिल जरूर होनी चाहिए, और वर्ष भर में 6 बार कम से कम मीटिंग हो, ताकि समय समय पर जो उस बैंकों की स्थिति का जायजा ले, ये चीज़ बताई गई है।
और बताया गया है कि जो भी रिअपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट होगा, या फिर जो है टर्मिनेट किसी होल टाइम डायरेक्टर को हटाया जाएगा या सीईओ की नियुक्ति होगी, तो वो उस सबसे पहले आरबीआई से अनुमति के बाद ही कि ऐसी कोई बदलाव किए जा सकते हैं। और जो भी आपके सीईओ होंगे या होल टाइम डायरेक्टर्स होंगे उनकी अधिकतम उम्र 70 वर्ष होगी, जो अभी वर्तमान में प्राइवेट बैंकों के लिए है, अब ये सभी के लिए लागू कर दी जाएगी, ये बात बताई जा रही है। और जो न्यूनतम आयु की सीमा आरबीआई नहीं रखी है, न्यूनतम आयु की सीमा बैंक के अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं, कितने कम से कम आयु पे हम अपने डायरेक्टर्स को नियुक्त करेंगे। और चीज़ बताई गई क्या हम देखेंगे कि जैसे देखा गया है कि 10 वर्षों के बाद सामान्यतः जो प्रमोटर्स होते हैं यानी कंपनी के जिसने स्थापना की है, जिसका कॉन्सेप्ट था उस बैंक का, 10 वर्षों तक वो सीईओ के रूप में काम करता है, जबकि 10 वर्षों के बाद जो है एक प्रोफेशनल सीईओ पद जो है ले लेता है। लेकिन कुछ केसेस में देखे गए हैं कि वो जो प्रमोटर्स हैं या जो बैंक के ओनर हैं वो लंबे समय तक जारी रहते हैं। जैसे आप देख लीजिए उसमें यस बैंक में राणा कपूर देखिए, वो प्रमोटर थे और सीईओ भी थे। तो इससे क्या होता है, बैंकों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट होता है, भ्रष्टाचार की संभावना रहती है। तो ये सब सारे गाइडलाइंस जो है 1 अप्रैल 2021 तक लागू करने की बात की जा रही है, ताकि जो है इन बैंकों में अच्छे से गुणवत्ता युक्त प्रशासन व्यवस्था हो सके, भ्रष्टाचार ना हो। जो बैंकों में आए दिन भ्रष्टाचार खुलासे होते हैं, सब चीज़ें ना हो, तो इसलिए नए अच्छे मानक आरबीआई तय करने जा रही है। ये चीज़ से संबंधित था। अगली न्यूज़ है, इंडियंस रिलाइंग मोर ऑन मोबाइल ब्रॉडबैंड टू वर्क फ्रॉम होम। तो जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ है तो इंटरनेट के कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ा है, तो वही चीज़ में बताया जा रहा है कि विश्व भर में वैश्विक स्तर पर लगभग प्रतिदिन जितना पहले समय औसत व्यक्ति समय यूज करता था 4G इंटरनेट पे, अब उससे 1 घंटा ज़्यादा समय यूज कर रहा है, जबकि इंडिया में इसका कंजप्शन उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। वैश्विक स्तर पर 1 घंटे ज़्यादा कंजप्शन यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 2.2 घंटे यानी 2.5 घंटे लगभग एक्स्ट्रा यूज हो रहा है इंडिया में डाटा, तो ये चीज़ बताई जा रही है। तो ये थी हमारी उससे संबंधित एक जो है आपका इन्वायरमेंट से न्यूज़ जो हो जाएगी। तो एक जो आपका इंडियन गौर होता है, इंडियन बाइसन या इंडियन गौर होता है, ये एक प्रजाति जो दक्षिण भारत में पाई जाती है, मुख्यतः ट्रॉपिकल या डेसिडुअस क्षेत्रों में पाई जाती है। ये आप जैसे देख रहे होंगे ये जंगली बैल की जैसे ही प्रजाति होती है, ये वल्नरेबल कैटेगरी में आती है आईयूसीएन की। ऐसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आईयूसीएन की किस श्रेणी में आती है, तो ये आईयूसीएन की वल्नरेबल कैटेगरी में आती है। ये इससे संबंधित आप जानकारी की आवश्यकता है। अभी जैसे लॉकडाउन है और लोग देखिए लॉकडाउन है और उसके बाद लोग क्या है वनों के क्षेत्र को वनों की कटाई कर रहे हैं, और जो भी जानवरों का मुख्य क्षेत्र रहता है, हैबिटेट रहता है, उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, इनका क्षेत्र कम होता जा रहा है, तो इनका मनुष्यों से टकराव यानी मनुष्य के क्षेत्रों में भी ये आ रहे हैं, जिससे इनको चैलेंजेस होते हैं। भाई जैसे सीधी बात है, आप वनों की कटाई कर देंगे तो वन का क्षेत्र कम हो जाएगा, इनके पास रहने का क्षेत्र कम होगा, खाने के संसाधन कम हो जाएंगे, तो ये खेतों में जाएंगे, लोगों के घरों में जाएंगे, लोगों के द्वारा जब खेतों की चराई करेंगे, जब खेत को चराई करेंगे किसान को गुस्सा आएगा, किसान को बुरा लगेगा, उसका नुकसान होगा, तो इनको मार सकता है, जिससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। तो अभी पहली बार इंडियन बाइसन या इंडियन गौर का जो है गणना हुई, जिसमें बताया गया कि लगभग 2000 से ज़्यादा इंडियन गौर्स जो है नीलगिरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन कहाँ पे है आपका, ये तमिलनाडु क्षेत्र में, आपका तमिलनाडु केरला और जो है कर्नाटक का जो मिलन बिंदु है उस मध्य क्षेत्र में नीलगिरी क्षेत्र है। ये चीज़ हमने जाना इंडियन गौर के बारे में, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है आईयूसीएन की। ये थी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन, इससे संबंधित प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार हैं, आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, इसकी स्थापना रोम कानून से हुई थी, यह युद्ध अपराध व मानवता के विरुद्ध अपराधों की जांच राष्ट्र के खिलाफ करता है, भारत इसका सदस्य नहीं है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन है, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु। इंडियन गौर या भारतीय गौर आईयूसीएन की किस श्रेणी में आता है, संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड, गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सुभेद यानी वल्नरेबल, विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।